हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। और अभी बज रहा है घड़ी में सुबह के 9 और मेरा हो चुका है काम सुबह से 6 बजे से स्टार्ट। तो करते करते बज रहे हैं 9 और कपड़े मेरे धुल चुके हैं और बस पूजा हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है, अब चल रही है खाना की भी तैयारी कर ली है मैंने आज, और अभी हो रही है सफाई। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से सफाई। Bye. और यहाँ चल रही है मेरी सफाई। अब ये देखिए घर सारा फैला पड़ा है, ग्लास कहाँ घुसा के रख रखा है। और यहाँ देखिए घर की हालत, जिसको जो दिल आए वहाँ छूट जाता है चीज़ें। और ये देखिए दूध भी गर्म कर लिया है मैंने, खाना। बाहर की हालत देखिए क्या हालत हो रही है, कहीं बाल्टी है कहीं कुछ है, बर्तनों की लगी सौगात। और आज मेरा खाना भी बन चुका है, यहाँ देखिए सब्जी वगैरह सब बना के रख दी है मैंने आज जल्दी। और बस जब खाना खाएंगे, जब खाना मैं सेकूंगी, अभी फ़िलहाल सुन रही हूँ मैं देखिए आरती, टीवी में लगा रखी आरती। आवाज़ मैंने रोक रखी है अभी क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट, इसलिए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं घर की सफाई। बाय। तो वही आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये कि दूर रह के बड़ी बहनों का फ़ायदा ऑनलाइन क्लास और बड़ी बहन का फ़ायदा किस तरह उठाया जाए। तो ये देखो यहाँ विशाखा अपनी मौसी की लड़की को ऑनलाइन पेपर करवाने। हाँ बेटा कल आएगा। ये बड़ी बहन का फ़ायदा तुम किस तरह उठाते हो सब दुनिया को पता चलेगा। नाम अच्छा लगा लक्षिता? पेपर जमा कब करना है? 11:30। तो तुम हालन दे उसे, मुझे कपड़े धोने हैं। और तुझे तो पेपर देना है, वो 9:30 9 बजे तक क्लास भी ले लिया उसने। आज एक किशोर पापा के चक्कर में लेट हो गई है, नहीं तब तक नहा लेती है। इसका सूट देखो, ये भेज मेरे को कदा तदा कदा पदा तदा लता पदा मता एवं यदि। अत्र का मतलब क्या है? ये अत्र रमेश बस्ती का हिंदी का वस्तु वो क्या है? इनमें से ये शुरू, अरे इनमें ये शुरू है ना, इनके ये वो है। अरे ये साफ सफाई मेरी सारी हो चुकी है और खाना बनाने जा रही हूँ, रोटी सेकने जा रही हूँ मैं। और बस ठंड लग रही थी, मैंने शोर शोर लौड़ लिया है, थोड़ी देर बैठे बैठे ठंड लगने लगती है। तो चलिए सेक लेते हैं फटाफट से खाना। तो भाई अभी बज रहे हैं घड़ी में 11 और सब्जी वगैरह मैं बना ही चुकी थी। तो मैंने कहा पहले लगा लेते कान्हा जी का भोग और सब्जी, बस मैं खोल के देखूँ क्योंकि मैं सीटी लगा के चली गई थी, अब कैसी बनी है पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे पहले कुकर खोल के देखूँ कैसे बनी है। तो कुकर खोल के देखा तो सब्ज़ी मेरी काटी थी काफ़ी। तो मैंने क्या करा है, सब्ज़ी को रिता लिया है पहले भगोने में और इसी कुकर में थोड़ा सा ले लिया है मैंने पानी। इसमें अभी मसाला वगैरह लगा हुआ है और इसी में थोड़ा सा पानी लेके पतला करने के लिए मैं अलग से फ्राई पैन लेके थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा और मिर्च का तड़का लगा के फिर उसमें डाल दूँगी ये वाला पानी। तो इससे हो जाएगी मेरी सब्ज़ी थोड़ी पतली, क्योंकि आलू उसकी आलू और मंगोड़ी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काठी हो गई थी, जो काठी सब्ज़ी कोई नहीं खाता। वैसे भी आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी थोड़ी पतली अच्छी लगती है, ज़्यादा टाइट तो अच्छी लग काठी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए कर रही हूँ पतली में सब्ज़ी है। और ये देख लीजिए कितनी काठी सब्ज़ी बनी हुई है ना, सूखी सूखी रोटी लगती है, इसलिए मैंने कहा पतली सब्ज़ी होगी तो अच्छे से खाई जाएगी रोटी। तो इसलिए थोड़ी पतली, वैसे भी सब पतली सब्ज़ी थोड़ी पसंद करते हैं, बिल्कुल काठी नहीं खा पाते, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल काठी सब्ज़ी। तो इसलिए मैं इसको कर दूँ पतला सब्जी को और ये बस गर्म, जब ये पानी उबल जाएगा तो फिर इस पानी को डाल दूँगी। पानी उबलने के बाद, अच्छे से उबालने के बाद तब इसमें डाल दूँगी तो सब्ज़ी ये पतली हो जाएगी, जो खाने में भी अच्छी लगेगी। और सूखी सूखी रोटी लगती ना अगर काटी सब्जी हो तो, इसलिए। तो और साथ ही मैं फिर तवा रख दूँगी सब ये पानी हटा के,
फ्राई पैन हटा के, तो मैं रोटियां भी सेक लूँ। और ये देखिए पतली सब्जी हो गई ना, तो अब कितनी सही लग रही है सब्जी को। तो बस सब्जी मेरी हो चुकी है, अब फटाफट से सेक लेती हूँ मैं रोटियां। तो 12 बजने जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से, भूख लग जाएगा खाना जी का। और खाना पीना होने के बाद यहाँ पे कर लूँगा मैं किचन साफ। मैं और विशा का खाना खा चुके हैं, तो बस जितने भी बर्तन वगैरह हैं उतने उनको मांझ के रख दूँगी और किचन कर दूँगी बिल्कुल क्लीन। और गाय की रोटी निकाल देती है, इसको पन्नी में रख दूँगी, तब गाय आती है ना तभी मैं इसको देती हूँ। रोज़ ही घूमती है सुबह सुबह गली में, 6 बजे 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी गली में घूमना। तो रोज़ सुबह सुबह मैं गाय को खिला देती हूँ रोटी। तो बस किचन सारा साफ हो चुका है मेरा, यहाँ पे सारे बर्तन मांझ के रख दूँगी, तो किचन का काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। एक घंटा हो गया खाते खाते, है ना, खाना नहीं खाया गया। कितनी देर से बैठी हुई खाना खाने के लिए, बर्तन मांजे, खाना खाई मैंने। अगर लाइट भी लुक लुक कर रही, क्या बात है, मेरे को ना मीटर में दिक्कत लगती। देखते हैं किसी में होगी दिक्कत। अभी खाना पीना हमारा हो चुका है, क्रिसमस स्कूल से आ गए, ये पसरे में है और उनसे कह रहे खाना खा लो खाना खा लो, ये बंदे इंसान को सुनते ही नहीं है, खाना ही नहीं खाते। बाती विशाखा ने बनाई ग्रीन टी, लेमन टी। हाँ अरे वैसे उल्टा करके दिखा दो। मैंने लेमन टी, जो हमारी ताज़ी लेमन टी बागों में उग रही है ऊपर, उसमें से तोड़ कर अब नुक बनाई, कितनी सारी है 4 बजे। मैंने कहा था मेरे लिए बना दियो। नहीं पता है क्या, मैंने तो चाय बना रही है, मैंने चाय मेरे लिए बना दी, ओके लेमन टी बना रही है, मैंने लेमन टी लेमन डाल के तो वो चाय तो बना रही होगी, खाली लेमन की बना रही हूँ, खाली चाय, इसमें कुछ नहीं डाला, बस खाली लेमन उबाल लिए पानी में, चाय तो शहद डालने से तो कुछ नहीं डाला है ना पानी में, चीनी डाल दिया, चीनी डाल दी शहद की जगह। कैसी लग रही है, मजा आ गया? मजा आ गया, मैं भी चेक करूं। बहुत सारी, अरे वाह तो बड़ी स्वाद लग रही है, चीनी ऐसा लग रहा है हम जैसे चाशनी पी रहे हैं लेमन टी की जगह। आराम मिल रहा है ना, पियो। तो भी मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी मैंने पी है चाय, ये रखे बर्तन और ये इसके सो कह रहे हैं कि तू उठ जा पढ़ ले, तो नहीं उठ रहा ये बंदा। और आ चुकी है आज मेरी गैस, तो दिखाती हूँ बाहर कितने बुद्धि फैला पड़ा है। ये देखिए ऐसी खोल खाल के सब चले गए हैं, ये देखो पूरा हाल मचा के। तो इसको गर्म के ठीक पहले ले आती हूँ कपड़े, चलो चल बनाओ तब बनाओ जाने कपड़े उतारने के लिए। अरे कानों में क्यों डालती है, ये बंद हो जाएंगे ना कान, सब ठीक रही हो? मैंने अपने कान में करी 6 बार छिदवाए। तू तो गोल्डन जीत गोल्ड की तरह खा, तू तो कान छिदवाने में, वो तो हवा इतनी चल रही है तेज, तभी मौसम ठीक है, 2-3 दिन तो गर्मी बहुत, थोड़ा कमारो और कपड़े नहीं लाई है, कपड़ा तो ले आती, दिन कितने लंबे हो गए ना, सो भी लिए और 4 बजे उठ भी गए और अभी कितना टाइम पड़ा हुआ है।
आज उतरे नहीं है कपड़े, आज उतरे नहीं है कपड़े, आज हमने उतारे कपड़े, आज हवा में उड़ गए कपड़े, आज छत पे बिखरे होंगे कपड़े, नहीं गुलाब जामुन। हाँ आज नहीं तो ये गुन्नू मुझे बातों में लगा के रखेगी, मैं उतार लेती हूँ कपड़े कपड़े। ओ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, 4 बजे गए आज कपड़े, नहीं तो मैं सुबह उतार के ले जाती हूँ कपड़ों को, 12-1 बजे तक ले जाती हूँ, 1-1.5-2 मतलब दोपहर से पहले पहले मैं कपड़े ले जाती हूँ, तो मेरे सारे कपड़े सूख ही पाते हैं, सूख ही जाते हैं। और आज मैंने लिहाफ भी धोया था ये वाला जो कल सिला था, तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे उतर गए, कपड़े अब तो खैर सारे सूख गए हैं, अब तो पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं दिखाती हूँ आपको ये गुलाब कितना प्यारा खिला हुआ है ना इसमें, और बहुत सारे ऐसे गुलाब खिलेंगे, काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं इसमें, 7-8 होंगी कम से कम, इसलिए एक एक करके खिल रही हैं, मैंने सारी एक साथ खिल जाओ तो कितनी अच्छी लगेंगी ना। तो बहुत ही प्यारा गुलाब खिला हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, पेड़ में पौधे में गुलाब खिलता है ऐसा लगता है कि बच्चा हुआ जैसे घर में, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े कर रही हूँ मैं तय, और जो लिहाफ लाई थी मैं इसको रजाई में चढ़ा दूँगी, ये रजाई भी थोड़ी धूप में लगा दी थी मैंने दिन में, तो मैंने कहा इसको चढ़ा के देख लेते हैं साइज वाइज कितना बैठा है कितना नहीं, अरे रुक जा, अरे 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 कहीं रुक जा, कौन ऐसे बांधे ना फिर फायदा है ना करने का, तो ले यहां से पकड़, यहां से पकड़ के कर, नहीं पकड़ यहां से पीछे उसको, तो सिलूंगी बाद में, चैन लगा दो वहां से, चैन नहीं इसमें है, चैन वो तो ठीक है लेकिन चैन मत लगाओ, लगा देना नहीं, क्यों निकाल नहीं है तुम, वो कंबल उड़ गया तो पति के फट गए धो के, अरे नहीं करने में दिक्कत है भी। नहीं ना बस चैन लगा के ऐसी रखूंगी क्योंकि फिर उतार जैसे कर, चैन लगा पहले चैन लगा उसकी, अरे ऐसी रहने दो फिर, अरे अलमारी में ठक पलंग में रखने जा रही हूँ इसको मैं, तो यहाँ से सिलोगी नहीं, नहीं यहाँ से सिलूंगी ना, सिलूंगी फिर उस दिन फिर निकालने जिस दिन निकाल दूंगी कभी सर्दियों में, फिर उसको करना पड़ेगा क्या फायदा, ऐसे चैन लगा के रखोगे फिर हो गया, वहाँ से मत करो फिर, बढ़िया है ना कवर, है ना अब सही ना, बड़ा बड़ा लग रहा है, कंबल उड़ जाता है, रजाई होगी। चलो ये समोसे खा के बैठ गई है टी, फोन चलाने के लिए कुछ काम कर, और यहाँ बना रही मैं सब्जी वेजिटेबल पुलाव, तो यहाँ पे लिली गोभी, यहाँ पे मटर, ये टमाटर, ये शिमला मिर्च, ये गाजर, तो चलिए काट लेते हैं वेजिटेबल, और इन सभी सब्जियों को मैं काट लूँगी, सब्जियाँ डाल के बनाओ ना पुलाव तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यम्मी लगते हैं और खाने भी अच्छे लगते हैं, खाली बिना सब्जी के बनाना तो स्वाद नहीं आता चावल में, तो नमकीन चावल तो अब सर्दी हैं तो नमकीन चावल अच्छे लगते हैं, सब्जियाँ वगैरह डाल के बनाओ तो मज़ा आ जाता है चावलों में बनाने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैं काट लूँगी और फिर जल्दी से बना लूँगी पुलाव। और यहाँ देखो कटी हुई सब्जियाँ ही कितनी अच्छी लग रही हैं, सब्जी चावल में डालोगे तो कितनी अच्छी लगेंगी ना, चावलों की रंगत बढ़ जाती है ऐसे चावल सब्जियाँ डालने से। क्या कर रहे हो? चाय पी, बस अब चाय पीते रहना है सारे दिन, मैंने खाना खाने के बाद चाय बना ली अपने लिए, तो क्या दिक्कत है, मैं दूध भी पी रही हूँ, क्यों नहीं पी रहे हो?
हम भी तो जबरदस्ती पीते हैं। अरे भैया पैकेट के आवाज बंद करते हैं, हमें पता है तू चिप्स खा रहा है, सबको भी बता रहा है। तो भाई चलिए फ्रेंड्स, चावल बन गए हमारे मस्त। अरे करना था तो भाई चावलों में आ गए, मजा पाओ मस्त एकदम। अच्छा सुनो, देखो कल आपका व्रत है ना, तो कल बनाना आलू के पराठे, नहीं परसों बनाना आलू के पराठे, और तरसों सेटे। हाँ कल वीरवार का किस चीज का व्रत है पहले ये तो बताओ, अष्टमी का। फ्राइडे को मेरा खाना बनाना। तो सुनो ऐसा है, आपका कल व्रत है और परसों भी व्रत है ना, और तो एक काम करना, परसों शुक्रवार का व्रत है तो उसमें तो खाते हैं अनाज खाते हैं ना, तो ना आलू के पराठे, और सैटरडे को या तो छोले चावल या राजमा चावल। ये तो व्रत किसका है बताया, व्रत मेरा मैं नहीं बताएंगे। तो मैं जब शुक्रवार का व्रत रखती थी ना, तो हर हर शुक्रवार को आलू के पराठे बनवा देती थी। और उससे पहले सुनो, नहीं सुनो, हाँ अब कल जब हम आलू के पराठे बनाएंगे ना, इतने बड़े वाला बनाएंगे, उसमें इतना सारा आलू भरेंगे एक पराठे में, ठीक है ना काम हो जाए। और सुन उसमें लाएंगे आधा चौथा चौथा मक्खन टिक्की, मक्खन क्या करेंगे वो बनेगा अलग पराठा। उससे पहले जब ये रखती थी ना व्रत, तो ना हमेशा वो क्या होता है, कद्दू, कद्दू होता है ना, कद्दू तो कहते ना इसको सीताफल, हाँ सीताफल, सीताफल की सब्जी या तो मीठी बनेगी या नमकीन बनेगी, लेकिन सीताफल जरूर बनता था, लेकिन अच्छा लगता ना वो पराठों से खाओ या फिर पूरियों से खाओ या आलू के छोले से, मस्त। शुक्रवार का वो फिक्स था, रात को क्या बनेगा सीताफली बना ले। देखो पूरी के साथ मेरे को मजाक नहीं चाहिए, पूरियों के पूरियों के साथ सूखे आलू चाहिए। चल जब भी जब देखेंगे क्या मूड करेगा खाने का, वो तो बात की बात। देखो अभी से सोच लो, भी एक हफ्ता पड़ा है, अभी से सोच रहा है खाने की, और क्या वो एक बंदा लटक लटक के घूम रहा है, इससे कहते ही लटकती नहीं है। तो चलो फ्रेंड इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे शेयर जरूर करें। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे, श्री राधे। और आपको दिखा दूँ आज कान्हा जी कहाँ बैठे हैं, तो कान्हा जी आ चुके हैं नीचे, और आज पता है अंदर छिप वो जखम। ओम हो, तो कान्हा जी बैठ चुके हैं नीचे, अब इनके सोने का टाइम हो रहा है। कान्हा जी चलो सोने।